अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल बहु शामदीद आप देख रहे हैं ऑल इन वन चैनल। और आज की ये वीडियो ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड है। और आज आपको मैं घर पर वैसलीन पेट्रोलियम जेली बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। आमतौर पर बाजार से पेट्रोलियम जेली बहुत ही आसानी के साथ और बहुत कम प्राइस में मिल जाती है, लेकिन वो नेचुरल नहीं होती, उनके अंदर केमिकल्स होते हैं। तो आज मैं आपको घर पर नेचुरल तरीके से वैसलीन पेट्रोलियम जेली बनाने का तरीका बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो पेट्रोलियम जेली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वैसलीन पेट्रोलियम जेली बनाने के लिए आपको बी वैक्स की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास बी वैक्स नहीं है तो आप वाइट कैंडल भी ले सकते हैं। मेरे पास बी वैक्स नहीं है तो मैं आज आपको वैसलीन पेट्रोलियम जेली वाइट कैंडल के साथ बनाने का तरीका बताने वाला हूं। तो मैंने वाइट कैंडल को कट कर लिया है और अब हमें कोकोनट ऑयल चाहिए है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने कोकोनट ऑयल लिया है तो अब मैं इसके अंदर 4 स्पून कोकोनट ऑयल को डाल देता हूँ। और कोकोनट ऑयल डालने के बाद मैं अब इसको स्टोव के ऊपर मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो मैंने ऑयल और कोकोनट ऑयल और कैंडल को मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद मैं इसके अंदर ग्लिसरीन डालने वाला हूँ। ये भी आपको बाहर से आसानी के साथ मिल जाएगी। तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच ग्लिसरीन का डाल देता हूँ। ग्लिसरीन डालने के बाद हम इसके अंदर एलोवेरा जेल डालूंगा। ये भी आपको बहुत आसानी के साथ मार्केट से मिल जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। और मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट साइड पर ऐसे रख देंगे, उसके बाद इसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने हमारी क्या कहते हैं वैसलीन सेट हो गई है। तो अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो मैंने ये देख सकते हैं कि हमारी वैसलीन को अपने हाथ पर लिया है और हमारी किस तरह स्मूथ वैसलीन बनी है। और आप अपने खुश्क हाथों पर, अपने पाँव की एड़ियों पर भी लगा सकते हैं, अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। और आजकल विंटर्स हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारी वैसलीन तैयार है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।